नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए पहले लाइन के सभी फंदे सीधे बुन लें और पीछे से सभी फंदे उल्टे बुन लें। ये चार लाइन का डिज़ाइन है और पहले लाइन के सभी फंदे सीधे और दूसरे लाइन के सभी फंदे उल्टे बनेंगे और तीसरी लाइन में ये डिज़ाइन बनेगा। तो आइए देखते हैं ये डिज़ाइन। पहला फंदा उतार लें या सीधा बुन लें, दूसरे फंद अब उन आगे करें और दूसरे फंदे को उल्टा बुनना है। तो उल्टा बुनते समय हम ऐसे सिलाई डालते हैं, लेकिन हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इस वाले में नहीं, इसके नीचे वाले में, यानी इसके नीचे या इस वाले में सिलाई डालना है। अब पीछे से सिलाई लाइए दूसरे वाले लाइन और उल्टा बुन लीजिए, गिरा लीजिए। अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर कीजिए और ये हमारा उल्टा बुनते हैं तो हम इसमें डालते हैं सिलाई, लेकिन हमको ये डिज़ाइन बनाने के लिए इसके एक नीचे यानी इस वाले में यहाँ पे सिलाई डालना है और उल्टा बना लेना है। अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर कीजिए और इस वाले में न डाल के इसके नीचे वाले लाइन में, देखिए आप ध्यान से, इसके नीचे वाले लाइन में सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे और ध्यान से देखिएगा, इस वाले में न डाल के इसके नीचे वाले में सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे और एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे, एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे, एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और उल्टा बना लेंगे। ऊन आगे करेंगे, अगला फंदा सीधा, अगला फंदा उल्टा बुन लीजिए। पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पांचवी लाइन के सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और पीछे से यानी छठी लाइन के सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने गए हैं, फिर अगले लाइन के सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। अब इस लाइन में फिर डिज़ाइन बनेगा। पहला फंदा उतार लें या सीधा बुन लें, फिर ऊन अपनी ओर करें और अगला फंदा उल्टा, लेकिन सिलाई वाले में न डाल के एक नीचे वाले में सिलाई डाला जाएगा और अगला फंदा उल्टा। नेक्स्ट सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दूसरी लाइन में इस वाले में न डाल के इसके नीचे वाले में सिलाई डालेंगे और उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और एक लाइन नीचे सिलाई डाल के उल्टा बनाएंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और एक लाइन नीचे सिलाई डाल के उल्टा बना लेंगे। फिर ऊन सामने करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक लाइन नीचे ऊन सिलाई डाल के उल्टा बना लेंगे।
फिर अगला फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, एक लाइन नीचे सिलाई डाल के और उल्टा बना लेंगे, फिर सीधा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और नेक्स्ट दो लाइन प्लेन बुना जाएगा, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और फिर पीछे से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और फिर अगला दो लाइन आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही चार लाइन का डिज़ाइन है और इसी को बार बार रिपीट करने से ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। और एक बात खास है कि अगर आपको जितने भी फंदे डालने हैं उनसे कम फंदा पड़ेगा, वरना ये डिज़ाइन फैलता है। तो कम से कम 5 फंदा कम डालिए, वरना शेप स्वेटर का ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपके पास स्वतः पहुंच जाए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।